जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 में प्रवेश के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। जब भी आप पूरे भारत का रिजल्ट उठा के देखेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय में मोर देन 80% जो बच्चे डिसक्वालीफाई होते हैं वो केवल और केवल गणित के कारण होते हैं। आज हम यहाँ पर गणित के प्रश्न लेंगे, जो आपके 20 आते हैं उन्हीं 20 प्रश्नों को हम आपको हल कराएंगे। इसको हल करने से पहले आप लोग अपने हाथ में एक कॉपी कलम ले लीजिए, जिससे आप इन प्रश्नों को करते रहिए और आंसर आप मेरे साथ अपने मैच भी करते रहिए। इसके साथ साथ आप अपने प्रश्नों को भी करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे हमारा पहला प्रश्न है, 400 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ बनाने का व्यय 30 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगा। मतलब एक स्क्वायर है जिसकी साइड 400 मीटर है और उसका पेरीमीटर आपको पता करना है, कि उसको चारों तरफ से घेरना है और एक मीटर का खर्च है 30 रुपये प्रति मीटर। तो आपको इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम परिमाप निकालेंगे यानी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर कैसे निकलता है, क्योंकि उसमें चार भुजाएं हैं तो 100-100 की चार भुजाएं, तो ये हो गया आपका 400। बहुत आसानी से आपको बताएंगे, आप कोई फार्मूले की यूज ना करें। और 30 रुपये एक मीटर का लगता है तो 400 मीटर कितना लगेगा, 4 × 3 = 12 यानी 3 0 बढ़ जाएंगे 12,000। इसका मतलब खर्चा आ जाएगा 12,000। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न है वो आपका क्यूबाइड से है। एक घनाभ की लंबाई यानी लेंथ 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठ बताइए। पृष्ठ का मतलब हो गया वक्र पृष्ठ, सॉरी पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब हो गया उसका क्षेत्रफल, यानी उसमें जो 6 भुजाएं हैं उनका एरिया क्या रहेगा। तो इसके घनाभ का जो पृष्ठ का फार्मूला होता है वो मैं इंग्लिश में आपको लिख के बता दे रहा हूँ, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हम लिख देंगे यहाँ पर LB प्लस फिर चौड़ाई प्लस ऊंचाई यानी BH, फिर ऊंचाई इंटू लंबाई तो हो जाएगा HL। अब आप इसमें जैसे ही रखेंगे, 2 लंबाई आपकी कितनी है 8 इंटू 6 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई रख देंगे प्लस 3 × 8 रख देंगे। इसके बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे, 2 × 8 = 48 6 × 3 = 18 प्लस 3 × 8 = 24 ठीक है। तो 2 × और अंदर का जब हम जोड़ेंगे, देखिए 90 आ रहा है, 9 × 2 = 18 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही निकल रहा है, तो हम बी ऑप्शन यहाँ से टिक कर देंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की समान गति से चलती है और 250 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। चूंकि सूत्र जो होता है वो होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान उसकी जो है वेलोसिटी, यानी तो हिंदी में उसको कहते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। इसको लगा देंगे तो आपकी यहाँ से दूरी है 250 मीटर किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, काट देंगे 5 × 1 = 25 तो आ जाएगा 5 घंटे। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 44वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 12 घंटे में 432 किलोमीटर चलती है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ पर दूरी दी गई है 432 और समय दिया गया है 12, तो ये हो जाएगा आपका चाल। जब आप इसे काट लेंगे और इसे अगर हम काटने का मान लिया प्रयास करें, और ये चूंकि चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे हम यदि 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड ठीक है। अब आप इसको यहाँ से काट लेंगे और काटने के उपरांत देखेंगे इसका जो आंसर आएगा, इसे आप काट लीजिएगा, हम ज़्यादा देर
बहुत नहीं काटेंगे जिससे आपको थोड़ी देर लगे, तो 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर यहां से आपका आ जाएगा। तो यहां से हम ऑप्शन बी ले लेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है इसे लगाने के लिए। अब आपको एक चीज़ यहां पे ध्यान रखना है कि दिया गया 3 रुपये प्रति सैकड़, यानी प्रति 100 पर 3 रुपये वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में किस मूलधन का मिश्र धन 392 रुपये हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो हम मान के नहीं, क्योंकि आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ से मूलधन, ठीक है भाई। मूलधन बराबर हो जाएगा ये मिश्र धन इंटू 100 अपान, ये याद रखना है, 100 प्लस समय इंटू दर। तो यहाँ से जब आप लगाओगे तो मिश्र धन है 392 इंटू 100। अब आपको मैं बता दूँ यहाँ पर ये 100 और प्लस आपका इसमें समय आपका दिया गया है 4 वर्ष और दर है 3, तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे यानी 392 इंटू 100 अपान 4 × 3 = 12 यानी 112। और 112 से आप इसे काटेंगे, और जैसे ही इसको हम काटेंगे या इसको आप काट के देख लीजिएगा, तो ये जब काटोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 350। तो इसे आप काट लीजिएगा, तो यहाँ से ऑप्शन आपका 350 को आता हुआ, हाँ ये देखिए सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न भी आपका इसी से पूछा जा रहा है कि 6000 रुपये का 5% वार्षिक दर से इतने दिन का ब्याज। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत ये हो सकती है कि यहाँ पर वो इतने दिन कह दिया, तो आपको ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए दिन का क्या मतलब है, कि जब आप दिन की बात करोगे यहाँ पे तो दिन जो हैं आप 365 दिन में जो एक वर्ष होता है, तो इतने में कितने वर्ष बनेंगे उसको आप लगा देंगे और आप बहुत साधारण से इसका निकाल देंगे। क्योंकि साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन समय इंटू दर बटे 100। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ से मूलधन हम 6000 रुपये ले लेंगे। बात समय की आती है, तो समय को चूंकि दर हमारी वार्षिक है तो हम समय को दर में समय को जो है वर्ष में बदल लेंगे, तो हम 219 बटे 365 कर देंगे, तो ये बन गया हमारा मूलधन समय इंटू दर। दर आपकी दी गई थी यहाँ 5 और बटे 100। आप इसे जैसे ही हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 180। तो यहाँ से 180 को आप टिक कर लेंगे। अगला अगर आप प्रश्न देखें तो आपके सामने दिया गया है 12, 24, x और 44 का औसत 30 है, तो x का मान क्या होगा। औसत बराबर होता है दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर औसत है 30, तो 30 बराबर दिए गए आंकड़ों का योग करेंगे, तो यहाँ पर 12 है, 24 है, प्लस x है तो हम x लिख लेंगे, प्लस आगे 44 बटे कर देंगे 4, ठीक है। तो यह आ जाएगा, अगर हम इसकी तिर्य गुणा करते हैं ऐसे, तो 4 × 3 = 12 यानी 120, तो 12 × 24 = 36 और ये 44 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 प्लस एक्स बटे 4 तो हट गया था, तो एक्स बराबर हो जाएगा 120 माइनस 80, तो आ जाएगा एक्स बराबर 40। इसका मतलब जो संख्या नहीं दी गई है वो 40 होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 40 का पहला वाला ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ए कॉमा बी और सी का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर हमने बताया था दिए गए आंकड़ों का योग, तो यहाँ पर दिए गए आंकड़े पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, बटे आंकड़ों की संख्या 3 है, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य 350 रुपये हो और प्रतिशत लाभ 4% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो
तो हम 350 रुपये पर कितना रुपये 4% के हिसाब से होगा, तो 350 का 4% कितना हुआ, जरा यहाँ से काट लेते हैं, 5 × 7 = 10, 5 × 7 = 35, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 7 × 2 = 14, यानी 14 रुपये अतिरिक्त आपको 4% के हिसाब से मिलेगा। तो इसका मतलब आपने 350 की क्रय मूल्य है, 14 रुपये आप उस पर लाभ मिलेगा, तो ये बन जाएगा आपका 364 रुपये। तो यहाँ से आप 364 रुपये यानी इसका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रुपये में 10 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि विक्रय मूल्य जो है आपका, सॉरी क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि आखिर कितने, उसने 10 रुपये मगर रुपये में बेचने पर 10 संतरे बेचने पर 20% की हानि हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य बराबर कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप क्या करें, क्रय मूल्य यहाँ से क्रय मूल्य बराबर आप निकालेंगे इसका, चूँकि विक्रय मूल्य कितने रुपए है, 10 रुपए है, और कितने प्रतिशत की हानि हो रही, तो 100 में से आप 20 घटा लेंगे यानी 80, तो ये तुम्हारा 80/100, इससे हमारा 8 × 8। इसका यह मतलब हुआ कि हमने, आप ये मान चलिए कि अगर हमने 8 संतरे प्रति रुपए के भाव से ख़रीदा था, जो कि मैं अब 10 संतरे बेच रहा हूँ, 10 संतरे बेच रहा हूँ रुपये में, तो मुझे 20% की हानि होती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा कि रुपए में, मतलब यहाँ पर 1 रुपया आप समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 12% की भिन्न बनाइए। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, जो 12% लिखा गया है, प्रतिशत जब हटता है तो अपान 100 हो जाता है। अब आप इसे काट दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी 3/25, यानी ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है 89 की दशमलव भिन्न क्या होगी। गलत लिखा है यहाँ पे, 89% है, यहाँ 89% की दशमलव भिन्न क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि 89 मैं नीचे लिख देता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा नीचे इसको लिख रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो 89% को आप लिख सकते हो 89/100। तो जब यहाँ पर 2 जीरो है, तो दशमलव 2 जीरो खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.089, यानी यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न एक एक नियम से है, इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूछा जा रहा है 124 रुपये में 5 पेंसिलें आती हैं, तो 198 रुपये 40 पैसे में कितनी पेंसिलें आएंगी। तो आप लिखेंगे 124 रुपये मिलती हैं 5, तो एक मिलेगी 124, 5/124, इसलिए 198 रुपये 40 पैसे में कितनी पेंसिलें मिलेंगी। इसको आप दशमलव हटा दीजिएगा, यहाँ 0 बढ़ा लेना, इसे हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद ये आंसर आपका यहाँ से 8 आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन आपको ज़्यादा नहीं करके बताऊँगा कि आपका टाइम अधिक लगे। चलिए बढ़ते हैं हम 54 क्वेश्चन नंबर पे। 54 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, कई बार इस पर एक प्रश्न पूछा गया है। एक प्लाट के यानी उसका 3/5 भाग जो है इतने रुपए में, 30,000 रुपये में है, तो पूरे प्लाट का कीमत क्या होगा। तो इसे लगाने के लिए सबसे बढ़िया आप लिखा करिए 3/4 भाग की कीमत है 30,000 रुपये, इसलिए पूरे एक भाग की कीमत होगी 30,000। थोड़ा लिखने में बार बार गलती हो जा रही है, तो आप पहले लिखेंगे यहाँ पर कि 3/5 भाग की कीमत है 30,000 रुपये, इसलिए अब आपको एक भाग की कीमत निकालना है, तो हो जाएगा 30,000/, अब लिखोगे आप 3/5, तो 3/5 ऊपर चला जाएगा। अब आप इसे काट देंगे,
तीन एकम तीन धाम, तो यह आ जाएगा 10 × 50, यानी उसकी कीमत हो जाएगी 50,000। तो यहाँ से पूरे प्लाट की जो कीमत होगी वो 50,000, बी वाला ऑप्शन यहाँ से लगा लेंगे। अगले अगर प्रश्न की बात करें, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको थोड़ा देख के डरना नहीं है क्योंकि आपके कोर्स में अक्सर अभी ये वर्गमूल वगैरह नहीं है। तो रूट थ्री का मान 1.5 है, तो आप जैसे इसको वैल्यू को रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, देखिए जब हम इसमें रखेंगे 2 × रूट थ्री, रूट थ्री का मतलब हो गया 1.5 इंटू 0.1 अपान, ये भी तुम्हारा 2 × 1.5 माइनस 2.90। तो देखिए ऊपर जब हम इसको गुणा करेंगे 1.5 को 2 से तो आ जाएगा 30, 30 में एक बार दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा ये 3, और 3 को दशमलव 1 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0.3, मतलब यहाँ से आप ऊपर आ गया 0.3 बटे। अब नीचे जब आप करोगे इसको तो 2 × 15 × 30 यानी 3 आ जाएगा, और 3 में से 2.9 घटाओगे तो आ जाएगा 0.10। तो यहाँ से जब दशमलव आप हटाओगे तो आ जाएगा 30, यानी सॉरी यहाँ से ये कौन सा नंबर है आपका 55 नंबर। तो 55 नंबर में जब आप इसे हल करोगे तो यहाँ से ये 0.0 यानी 3 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम 3 को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3.25² - 2.25² अगर आप इसको दो दो बार गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको एक फार्मूला, कई चीज़ें ऐसी आपको यहाँ पर मिलेंगी जो आपको लगेगा शायद हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेंगे। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे a² - b² होता है a + b * a - b, यानी अगर कहीं दो संख्याओं के स्क्वायर हों और बीच में उनका अंतर हो तो उन संख्याओं को एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें और गुणा कर दें तो वही आएगा जो उनके स्क्वायर करने पर आता है। चलिए तो इसको आप लिखोगे और करोगे तो क्या आ जाएगा, 3.25 + 2.25 × 3.25 - 2.25। अब आप देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 3.25 × 5.50 में से 2.25 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब यही आंसर हो गया 5.50। तो यहाँ से ऑप्शन आप देखें कौन सा ऑप्शन यहाँ से दिख रहा, तो आप ऑप्शन देखिए बी वाला यहाँ से मिल जाएगा। अगर एक प्रश्न की बात करें, एक परिवार में चीनी का खर्च प्रतिदिन 300 ग्राम है तो नवंबर माह में चीनी की खपत कितनी होगी। चूंकि नवंबर का महीना जो है वो 30 दिन का होता है तो आप लिख देंगे 30 दिन, और एक दिन का खर्चा है 300 ग्राम तो आप दोनों को गुणा कर लेंगे, 3 × 9 और ये 3 × 0 9000 ग्राम, और ग्राम को अगर हम 1 किलो में होते 1000 ग्राम भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 किलोग्राम, यानी उस परिवार में 9 किलोग्राम चीनी जो है प्रयोग की जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने 58 नंबर पे दिया गया है कि 5408845 - = this। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें से घटाने पर इतना आए तो इसका मतलब है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, इसका मतलब है हम लिख देंगे 3408845 - 3646729, और इसे जैसे ही आप घटाएंगे तो घटाने पर जो है आपका जिसके बाद देखिए 6 आएगा, यानी 5 में से 9 घटेगा नहीं, 6 जिसके इकाई के अंक पे 6 आ रहा हो ये देखिए बी वाला, तो आपको घटाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप कर लेंगे। अगले हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 5321 और 120 के महत्तम समापवर्तक में एक घटा दें तो शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसको हम भाग विधि से
इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप इसकी मैं बहुत शॉर्टकट विधि आपको एक बताता हूँ, अगर आपके समझ आती है या आपने कहीं पढ़ रखा थोड़ी सी, आप ट्रिक्स जरूर पढ़ें, बिना ट्रिक्स के आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा हमारा 120 है, अगर आप 120 के कोई गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 60 आ जाएगा, 2 करेंगे 30 आ जाएगा, 2 करेंगे 15 आ जाएगा, 3 और 5। तो देखिए 2 से ये वाला कोई संख्या कटी नहीं रही है। अब बात करेंगे 3 से, तो देखिए 5 3 8 8 9 2 11, ये 3 से भी नहीं कट रही और 5 से भी नहीं कट रही। इसका मतलब इन दोनों का कोई भी गुणनखंड कॉमन होने वाला नहीं है। तो जब दोनों में, यानी दोनों ये आपको अभाज्य संख्या जैसी दिख रही हैं क्योंकि एक दूसरे के गुणनखंड इसमें नहीं मिलते, तो मान लें 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या, तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या है? अगर कोई दो संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में उनका कोई भी गुणनखंड कॉमन है तो उनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 आएगा, अगर 1 में से हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? 0। या अगर इन दोनों संख्याओं को पूछा जाता महत्तम समापवर्तक कितना आएगा तो आता 1, और वो कह रहा था महत्तम समापवर्तक में से अगर 1 घटाया जाए तो कितना बचेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हालांकि गलत छप गया है, मैं आपको बता दूँ, यह दिया गया है प्रथम 2 लगातार सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। प्रथम का मतलब हो गया आप प्रथम, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं ले लीजिए तो पहली जो प्राकृतिक सम संख्या होती है वो 2 है, दूसरी 4 होती है, 2 और 4 का अगर आप लघुत्तम निकालते हो तो आपका लघुत्तम 2 × 2 दो दूनी 4 आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर आए पहली बार तो कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन, जिससे सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।